आज 18वें दिन बिहार के नियोजित शिक्षक सभी जिला मुख्यालय पर समान काम समान वेतन को लेकर बिहार राज्य संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले आक्रोश मार्च निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिला एवं पुरुष शिक्षकों की भागीदारी देखी गई। इसी क्रम में छपरा जिला के सभी प्रखंडों के शिक्षक शिक्षिकाएं जिला मुख्यालय पर मुनिसिपैलिटी चौक से जिला स्कूल तक आक्रोश मार्च निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में शिक्षक एवं शिक्षिकाएं पैदल मार्च करते हुए उनका एक ही नारा है, समान काम के बदले समान वेतन। राजकर्मी को किस तरह से दिया जाता है, उन्हीं के समान हमें भी वेतन मिलना चाहिए। इस आक्रोश में मार्च में तमाम संगठनों के नेताओं को एक बैनर तले देखा गया। इस क्रम में शिक्षक नेता समरेंद्र बहादुर दिनेश सिंह एवं कई शिक्षकों से महिला शिक्षिकाओं से बात कर जानने का प्रयास किया कि आज के दिन यह किस तरह का आक्रोश मार्च निकाला गया है। पेश एक रिपोर्ट। समन्वय समिति सदस्य सारण जिला। किस बात का आंदोलन हो रहा है और क्या कहना चाहते हैं? आपने चुप रहिए भैया, शांत रहिए, शांत रहिए। कल से जुटे हुए हैं, तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी सेवा शर्त और हमारे समान समान काम समान वेतन जो है एक कल्याणकारी राज्य में जो होना चाहिए वो होगा, मिलना चाहिए। और हम मुख्यमंत्री से ये कहना चाहते हैं कि आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा के रखे हुए हैं, हम पे दमनकारी कुचक्र चला रहे हैं, हम हारने वाले नहीं हैं। आप दमन चलाते रहे और हम जेल भरते रहेंगे और तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक हमको हमारी पूरी पूरी मांगे पूरी ना हो जाए। कहना चाहती हूँ कि किसी अगर सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ है तो उसके वतन के पीछे महिलाओं का हाथ होता है। और आज हम सभी महिलाएं जागरूक हैं और अपने मान सम्मान की लड़ाई के लिए हम रोड पे आए हैं, तो इसका इज्जत हमको रखना होगा, क्योंकि हम राजकर्मी और वेतन मांग के बिना किसी भी काम को समझौते नहीं करेंगे। बिहार सरकार से हमारी एक ही मांग है, जिस प्रकार जंगल शेर के बिना अधूरा रहता है और शेर जंगल के बिना अधूरा रहता है, उसी प्रकार बिहार सरकार को हम शिक्षक के बिना अधूरा रहना पड़ेगा। नहीं तो समय रहते ही उसे वेतन मान दे देना चाहिए, किसी में उसकी भलाई है, नहीं तो फिर वह समझ जाएंगे हम लोग क्या कर सकते। कहना चाहते हैं सरकार से? हम यह कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, कि कल तक आपकी आंखें बंद थी, कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए थे, आज बिहार के अपने जिला मुख्यालयों में शिक्षक भाई बहनों के द्वारा अपने समान कार्य समान वेतन मांग और सेवा सब को लेकर जो आज आक्रोश मार्च निकाला गया है, इस आक्रोश मार्च को अगर हल्का में लेने का काम करेंगे नीतीश कुमार जी, आपका यह दिवस सख्त होगा और आने वाले दिनों में बिहार के 4.5 लाख शिक्षक भाई बहन मिलकर आपके सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे और नवम्बर माह में आपको इस सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार, माई डायनेमिक पर्सनैलिटी दिनेश सिंह जी, डायनेमिक पर्सनैलिटी समरेंद्र सिंह जी एंड हमारे माई फाउंडर कमलेश्वर राय जी, इन विच वी आर गोइंग टू स्ट्राइक ऑन द कंटिन्यू 18 डेज, बट गवर्नमेंट ऑफ बिहार एजुकेशन मिनिस्टर ही डज नॉट माइंड ऑन माई डिमांडिंग एंड सो आई वॉन्ट टू से दैट देर इज नो कंपेरिजन बिटवीन जनरल मैन एंड म्यूजिक टीचर, ही विल गेट 4 लैक्स एंड आई विल डाई जस्ट लाइक गवर्नमेंट ऑफ बिहार इज गोइंग टू ओनली 4 लैक्स, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन जनरल मैन एंड म्यूजिक टीचर, इवन वी आर गोइंग टू टीच इन द गवर्नमेंट स्कूल, वी गोइंग टू टीच इन द गवर्नमेंट स्कूल, बट देर इज नो एंड फैसिलिटी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, एंड इफ यू आर गोइंग टू कैजुअलिटी एंड द गवर्नमेंट इज नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द म्यूजिक टीचर बिकॉज वी आर अ म्यूजिक टीचर, प्लीज सेम वर्क सेम पे, दिस इज माई डिमांड। आपको शेर बिहार भी कहा जाता है सर, क्या मांग है सरकार से? देखिए, हम शेर बिहार नहीं है, बिहार के 4.5 लाख नियोजित नियमित परिवार आदरणीय महिला शिक्षिका बने झांसी के रूप में खड़ी है नीतीश कुमार जी, आपने अगर महिला बहनों का आवाज इन शिक्षकों की आवाज को दबाने का कोशिश किया, आपके आवाज को दबाने का काम करेंगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में, एक व्यक्ति आपके खिलाफ जान पाल से ऊपर उठकर धर्म से ऊपर उठकर एक वोट आपके विरोधी को देने का काम करेंगे। यह तो अभी लड़ाई है, इसे भी नहीं जीतिएगा तो इसके बाद यह राज्य संघर्ष समन्वय समिति के नेताओं के द्वारा जेल भरो आंदोलन किया जाएगा, बिहार के कुछ
कुर्सी से आपको भागना पड़ेगा, अन्यथा समय रहते वेतन मान की घोषणा कीजिए। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? छपरा जिला समरेंद्र बहादुर। इंग्लिश में देंगे मुख्यमंत्री जी को, लगे प्राइमरी विद्यालय में भी इंग्लिश।